कर्सर स्टाइल ये जो बिल्ट इन थे ये लगाना सीख लिए थे, और हमने अलग से एक तस्वीर को इसकी जगह लगाना सीख लिया था। हमने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म भी डिस्कवर किया था कर्सर को बनाने का, जो CUR फॉर्मेट में मैं कर्सर बना के देता था और उसको हम जो है वो अप्लाई करते थे। ठीक है जी, अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है। अच्छा, यहाँ पे उसने ज़िक्र किया है कि यार कि ना गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम में और फायरफॉक्स में और ये जो ब्राउज़र्स हैं ना जितने भी, इसमें क्या होते हैं कि कुछ टूल्स होते हैं डेवलपर टूल्स, जिससे ना आपको बड़ी आसानी हो जाती है वो करने में। अब ज़रा ये देख लेते हैं ये कौन सा टूल है जिसका ये ज़िक्र कर रहा है। अच्छा, ये मेरे ख्याल है डिसकंटिन्यू हो चुका है ये, सही है, ये वाला जो टूल है ये शायद अब डिसकंटिन्यू हो चुका है। अच्छा, ये आ गया भाई। ठीक है, ये कुछ ऐसे टूल्स प्रोवाइड कर देता है। मेरे पास गूगल क्रोम है तो मैं गूगल क्रोम के लिए इसको डाउनलोड कर लेता हूँ इस टूल को, और ज़रा इसको चला के देखते हैं कि ये व्हाट दिस टूल हैज़ टू ऑफर। वेब डेवलपर नाम है इस टूल का, और ये क्रिस करके ये साहब हैं, इन्होंने ये बनाया। ठीक है जी, एक्सटेंशन इंस्टॉल्ड और अपग्रेडेड। ठीक हो गया, ये ज़रा वर्जन बता रहे हैं इसका कि किस वर्जन में क्या हुआ है। लास्ट इसकी रिलीज़ आई है 2020 में, और अब ज़रा हम किसी वेबसाइट पे इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि ये हमें क्या बताता है। ठीक है, ये टूल यहाँ पे इंस्टॉल होके आ चुका है, इसको ज़रा मैं पिन कर देता हूँ। मैं कुछ ज़रा एक्स्ट्रा जो है मेरे पास जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको मैं ज़रा यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ पे ना आ चुका है। अब मैं कोई वेबसाइट खोलता हूँ, और कोई वेबसाइट खोल के ज़रा इसको मैं उस पर अप्लाई करता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने जो हार्ट होम वाली वेबसाइट थी ना हमारी, इसको ज़रा ओपन करता हूँ, और इसमें हम ये खोल के देखते हैं कि ये हमें क्या बता रहा है। ठीक है, CSS पे मैंने क्लिक किया, तो इसको अगर मैं करता हूँ ना डिसेबल ऑल स्टाइल्स, तो ये सारे के सारे CSS को इसने हटा दिया, डिसेबल कर दिया। ठीक है, डिसेबल ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट स्टाइल, इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स होंगे वो इसने हटा दिया। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ें यहाँ पे इस टूल में मौजूद हैं। एडिट CSS का बटन दबाता हूँ मैं, तो यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास क्या खुल जाता है, एक यार ये मूव क्यों नहीं हो रहा, ये CSS करके ना इसने यहाँ पे खोल दिया है। यहाँ पे मैं कोई भी CSS क्या कर सकता हूँ, इसकी चेंज कर सकता हूँ। नहीं नहीं, इंस्पेक्ट की तरह होगी, परमानेंट तो उनके सर्वर पे होस्ट हुई भी ना ये, जब भी कोई हाँ नहीं नहीं, इसमें तो वही है कि जो है ना वक्ती तौर पे ये चेंज होगा, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। यानी अगर ये रिफ़्रेश करने पे चेंज नहीं भी होता इस एक्सटेंशन की वजह से, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई और खोलेगा तो उसको नहीं दिखेगा ये मेरे लिए ही है। ठीक है, और आप देखें यहाँ पे ना एक्सटेंशन पे एक वन लिखा हुआ आ गया कि जी इस एक्सटेंशन के ज़रिए कुछ हो रहा है। अच्छा, मैं इसको रिफ़्रेश करके देखता हूँ अब ज़रा क्या रिपोर्ट है। हाँ, ख़त्म हो गया, रिफ़्रेश करने पर ख़त्म हो गया। अगर मैं डिसेबल और CSS कर दूँ, ये मैंने डिसेबल ऑल CSS कर दिया। ठीक है, यहाँ पर वन ऐसे लिखा हुआ आ गया। अब इसको मैं अगेन क्या करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ, हाँ ये ख़त्म हो जा रहा है। अच्छा, तो ये डेवलपर टूल है एक। अच्छा, आई एम नॉट श्योर कि अब इसका कितना फ़ायदा होगा, बुक में इन्होंने ज़िक्र तो कर दिया है इसका, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि अब इसका कितना फ़ायदा है। इसको आप लोग ज़रा इंस्टॉल कर लीजिएगा, चला कर देखिएगा, अगर कोई बेनिफिट आपको दे तो बताइएगा। अच्छा, उसके अलावा इंस्पेक्ट जब हम करते हैं, इंस्पेक्शन में ना मेन सारा जो हमारा स्टाइल का काम है कि हमें पता नहीं लग रहा होता समटाइम कि यार मार्जिन किधर लगा हुआ है, पैडिंग किधर लगा हुआ है, तो ये इसको पकड़ता हूँ मैं सेलेक्ट एन आइटम को, और यहाँ पे आके ना मैं देखिए चेक कर लेता हूँ। ये ग्रीन कलर का जो हाईलाइट होके दिख रहा है ये पैडिंग है। ठीक है, और
जो मार्जिन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे दिखेगा, हाँ ये रहा मार्जिन, नीचे जो इसके ऑरेंज कलर का हाईलाइट होके दिख रहा है, ये इसका जो है मार्जिन। ये जो बना हुआ रहा है, हाँ डिव और XEL X करके जो ये शो हो रहा है, हाँ ये उसके ऊपर जो है ना, ये उसका सेलेक्टर पूरा बता रहा है, ये उसका सेलेक्टर पूरा बता रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये पूरा सेलेक्टर है इसका कि किसके अंदर से क्या है ये। सही है, मिसाल के तौर पे इसके ऊपर जो ये क्लास लगी हुई है ना, आप देखें ये लगी हुई है क्लास। सही है। अच्छा ये इस तरह की क्लास आप सोच रहे होंगे कि ये किस तरह की क्लास बनाई है इसने। नहीं नहीं फार्मूला नहीं है ये असल में होता क्या है कि अभी हमने फ्रेमवर्क नहीं यूज़ किया ना, इसमें सारे क्लासेस देखें इसी तरह है ये जितनी भी, हाँ ये इस वजह से है कि अभी हमने CSS का कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया, ठीक है, और हमने फ्रंट एंड का भी कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं किया। वंस हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं ना, जब जैसे हम रिएक्ट जब करेंगे तो आप नोट कीजिएगा कि रिएक्ट में कोड जब लिख रहे होंगे हम, तो जो क्लासेस का नाम हम लगाएंगे बिल्ड में वो नाम नहीं दिखता, वो उसको मिनीफाई कर देता है, यानी उस नाम को छोटा कर देता है वो, ठीक है, कोड को शॉर्ट करने के लिए छोटा कर देता है उसको, तो ये वाला चक्कर है बस, और कोई मसला नहीं है। तो ये हमें जो दिख रही है चीज़, ये उसका मिनीफाइड वर्जन है जो एक्चुअल कोड था, एक्चुअल कोड यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा ये जो मिनीफाइड, और दो दो अप्रोच होती है, एक होता है मिनीफाई, एक होता है अगलीफाई। तो इसको अगर मैं राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करूँ और इसके मैं HTML में अगर जाऊँ, ठीक है, तो ये जो वर्जन है ना इसका, ये इसका जो है मिनीफाइड वर्जन है, ठीक है। मिनीफाइड वर्जन में आप देखें इसमें स्पेसेस नहीं है, लाइन ब्रेक नहीं है, ये डिव उसी लाइन में शुरू हो रही है उसी में ख़त्म हो रही है, ये एक्चुअली एक ही लाइन में पूरा का पूरा कोड लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मिनीफाइड वर्जन है इसका एक्चुअली। अच्छा इससे और ज़्यादा भी मिनीफाइड वर्जन होता है, मैं आपको ज़रा एक और एग्जाम्पल दिखाने की कोशिश करता हूँ कि google.com का जो पेज है ना, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कार और एंटर करता हूँ, तो ये एक्चुअली गूगल का पेज खुला है। राइट क्लिक करके मैं इसको व्यू पेज सोर्स करता हूँ, ये देख रहे हो, ये कम्प्लीटली मिनीफाइड और अग्लीफाइड कोड है। मिनीफिकेशन में क्या होता है कि लाइन ब्रेक्स को रिमूव कर दिया जाता है, यानी एंटर जो जहाँ जहाँ हुआ है ना उसको रिमूव कर देते हैं, एक्स्ट्रा स्पेसेस जो होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है, वेरिएबल के जो नाम वगैरह होते हैं उसको छोटा कर देते हैं ताकि फाइल का जो ओवरऑल साइज़ है वो छोटा हो जाए, क्योंकि जब भी मैं वेबसाइट पे जाता हूँ तो वो फाइल जो है एक्चुअल में डाउनलोड होके फिर डिस्प्ले होती है, तो फाइल का साइज़ जितना छोटा होगा डाउनलोड उतनी तेज़ी से होगा। तो ये तो मिनीफाई हो गया कि मिन डॉट मिन भी कभी कभी आप देखेंगे लिखा होता है, अभी लाइब्रेरीज हम जो करेंगे ना सबके साथ डॉट मिन लिखा होता है। तो अच्छा अग्लीफाई क्या होता है, अग्लीफाई जो है ना वो टेक्निक होती है जिसमें आपका कोड चेंज तो नहीं होता लेकिन वो कोड पढ़ने के काबिल नहीं रहता, उसके वेरिएबल के नाम को और सीक्वेंस को इस तरह से चेंज कर दिया जाता है कि वो वैलिड जावास्क्रिप्ट होती है लेकिन वो इस काबिल नहीं होती कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके, उसको ज़रा पढ़ने में मुश्किल हो जाता है वो। सही है, इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे अब ये जो जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है ना, इसका मतलब नहीं समझ सकता कोई, या ये जो CSS भी, अब मुझे नहीं पता ये CSS है या जावास्क्रिप्ट है, इसमें CSS भी होगी यहाँ पे, हाँ नहीं उसके उसके ताकि बिजनेस लॉजिक को कोई अंडरस्टैंड ना कर सके। अभी यहाँ पे CSS का लिंक लगा होगा ना कहीं, उसको ज़रा हम खोलते हैं तो आप देखेंगे कि वो ना, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी ज़रूरत नहीं है। सही है, तो CSS को भी क्या कर सकते हैं, मिनीफाई और अग्लीफाई दोनों कर सकते हैं। अग्लीफाई में क्या होता है, CSS पता नहीं लगेगा कि जी बिज़नेस लॉजिक क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई मेरे वेब पेज के ऊपर आता है तो मैंने किस कंडीशन पे उसको रोका हुआ है, किस कंडीशन पे जाने दिया है, ये इसको कहते हैं बिज़नेस लॉजिक, ठीक है, तो इसको समझना ज़रा सा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अगर उस बिज़नेस लॉजिक को कोई बहुत ईजिली समझ जाता है ना तो उसमें मौजूद अगर कोई लूप होल है तो वो भी उसको फ़ौरन पता लग जाता है। समटाइम होता है ना कोई ऐसी कंडीशन होती है जो मैंने छोड़ी हुई है, मिस की हुई है, ठीक है, तो वो भी उसको फ़ौरन पता लग जाता है। या क्योंकि जावास्क्रिप्ट तो फ्रंट एंड के ऊपर ओपन होती है, राइट क्लिक करके कोई भी जावास्क्रिप्ट को चेंज कर सकता है, तो अगर मैंने बिल्कुल उसको सीधा सीधा लिखा हुआ है ना कोड को, तो उसको चेंज करना भी आसान हो जाता है। जाहिर है जब बिज़नेस लॉजिक समझ जाएगा तो उसको थोड़ा बहुत चेंज भी कर लेगा। तो ये ज़रा सा ना, अगर ये मिनीफाई और अग्लीफाई ना हो तो इसको वल्नरेबिलिटी कंसिडर किया जाता है, ठीक है, इसको क्या कंसिडर किया जाता है, वल्नरेबल है आपका कोड कि कुछ ना कुछ इस पर अटैक हो सकता है, ठीक है।
अच्छा जी, तो ये हमारे पास ना डिफरेंट ब्राउज़र्स के अंदर ये टूल्स मौजूद होते हैं छोटे छोटे, जिसको इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोडिंग का एक्सपीरियंस अपना बेहतर बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तो एक छोटी सी बात हो गई। उसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है ना वो है लेआउट। अब जो लेआउट वाला चैप्टर है ना, ये हम वैसे तो अभी पढ़ लेते हैं इसके अंदर, लेकिन लेआउट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फ्लैक्स बॉक्स की सूरत में। ठीक है, यहाँ पे इसने बात की है कि कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, तो हमने जो लेआउट बनाना ऑलरेडी सीख लिया है फ्लैक्स बॉक्स के जरिए, लेकिन स्टिल इस चैप्टर में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि अगर हम लेआउट नया वाला अप्रोच इस्तेमाल करें तो हमें पता होना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, क्रिएटिंग साइट लेआउट्स, डिज़ाइनिंग डिफरेंट साइज स्क्रीन। अब ये डिज़ाइनिंग डिफरेंट साइज स्क्रीन, ये मीडिया क्वेरी, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा। इसमें बहरहाल मीडिया क्वेरी नहीं बता रहा, इसमें ज़रा दूसरी अप्रोच, पुरानी अप्रोच बता रहा है। आ जाते हैं आगे भाई। की कॉन्सेप्ट इन पोजिशनिंग एलिमेंट। अब एलिमेंट की ना एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं पोजिशन। अच्छा, क्या है ये पोजिशन? एक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक है इन लाइन एलिमेंट, जो हमने शुरू में भी डिस्कस एक दफ़ा किया था। किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, वो अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता, वो पूरी पूरी विड्थ लेता है 100% और ख़ुद भी किसी की लाइन में नहीं जाता। अगर कोई पहले से इन लाइन एलिमेंट्स लिखे गए हैं तो जब मैं ब्लॉक एलिमेंट लगाता हूँ तो वो अपनी नई लाइन से शुरू होता है और अपनी लाइन में किसी और को नहीं आने देता। तो यहाँ पे वही बात ज़रा इन्होंने डिस्कस की है, देख लेते हैं। सी एस एस ट्रीट ईच एच टी एम एल एलिमेंट एज इट इज़ इट्स ओन बॉक्स। कि सी एस एस जो है हर एलिमेंट को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि हर एलिमेंट का अपना एक बॉक्स हो और उसके अंदर वो मौजूद हो। दिस बॉक्स विल ईदर बी अ ब्लॉक लेवल बॉक्स और एन इन लाइन बॉक्स। अब कह रहा है कि ये जो बॉक्स है ना, ये दो तरह का हो सकता है, या तो ये इनलाइन होगा या तो ये ब्लॉक होगा। अच्छा, ब्लॉक लेवल बॉक्सेस स्टार्ट ऑन अ न्यू लाइन एंड एक्ट एज अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी लेआउट। कि ये जो डब्बे होते हैं ना, ब्लॉक लेवल वाले डब्बे, जैसे कि H1 पैराग्राफ, ये जो है ना मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं किसके, किसी भी पेज के, किसी भी वेबसाइट के जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो ये होते हैं असल। अच्छा, व्हाइल इनलाइन बॉक्सेस फ्लो बिटवीन सराउंडिंग टेक्स्ट। अच्छा, इन लाइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन ब्लॉक्स के अंदर जो छोटे छोटे आइटम होते हैं ना, वो इन लाइन होते हैं। जैसे कि अगर पूरे पैराग्राफ में मुझे किसी एक वर्ड को बोल्ड करना है तो वो इन लाइन होगा, सही है। अगर मुझे पूरे पैराग्राफ के दरमियान में एक इमेज लगानी है तो वो इन लाइन होगा। तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो जिसके सराउंडिंग में टेक्स्ट होता है और उसके बीच में वो खड़ी हुई होती हैं, वो इन लाइन होती हैं मोस्टली, या बाई डिफ़ॉल्ट वो इन लाइन होती हैं। चेंज हम दोनों को कर सकते हैं, बहरहाल ब्लॉक को इन लाइन और इन लाइन को ब्लॉक हम बना सकते हैं। You can control how much space each box take up by setting the width of boxes or something that height, sometimes height too. अच्छा, अब ये दो boxes हो गए, अब ये box कितनी जगह लेंगे उसके लिए मैं इस पर width और height लगा सकता हूँ। ये option मेरे पास हर वक्त होता है, बावजूद इसके कि paragraph पूरी width ले लेता है, मतलब राइट टू लेफ्ट, एज टू एज पूरी विड्थ ले लेता है, लेकिन स्टिल मैं इसकी विड्थ को छोटा कर सकता हूँ। हाइट जो होता है एक पैराग्राफ का, वो अपने कंटेंट पे टाइट होता है, लेकिन उस कंटेंट से छोटा या बड़ा मैं उसको कर सकता हूँ उस पैराग्राफ को, ठीक है, हाइट लगा के। टू सेपरेट बॉक्सेस यू यूज़ बॉर्डर मार्जिन पैडिंग एंड बैकग्राउंड कलर। अच्छा, अब कह रहे हैं कि इन बॉर्डर्स, इनकी हाइट कंट्रोल करना सीख चुके हैं हम, इनको आपस में एक दूसरे के करीब या दूर लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसके मार्जिन को चेंज कर सकते हैं, इसके बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं और इसके पैडिंग को चेंज करते हैं, ठीक है। ये तीन वो चीज़ें हैं जिससे हम आपस में ये कितना करीब और कितना दूर रहेंगे ये बॉक्सेस, ये हम डिसाइड करते हैं। अच्छा, तो ये हमारा मेन, हमने पूरा ये पूरा सीखा ना, पूरा रिवाइज किया इसने, कि ये सारा काम हम कर चुके हैं, अब हम क्या करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एग्जांपल भी इन्होंने बना के दिखा दिए कि जी एक H1 है, पैराग्राफ है और UL करके है, ये तीनों ब्लॉक हैं, ठीक है जी। ये जो है ना इन लाइन है, कौन से हैं जी, इमेज, बोल्ड और इटैलिक, ये तीन एग्जांपल दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं जो इन लाइन होते हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है कि जी कंटेनिंग एलिमेंट्स करके हेडिंग बनाई है इन्होंने, कि इफ़ वन ब्लॉक लेवल एलिमेंट सिट्स इनसाइड अनदर ब्लॉक लेवल एलिमेंट देन द आउटर बॉक्स इज नोन एज द कंटेनिंग पेरेंट एलिमेंट। कह रहे हैं कि जी एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट अगर है, जैसा कि डिव, ठीक है,
और उस डिव के अंदर जो है एक एच वन है, ठीक है। तो एक ब्लॉक लेवल के अंदर एक दूसरा ब्लॉक लेवल है, तो जो बाहर वाला हिस्सा होगा ना, जो बाहर वाला डब्बा होगा, उसको हम कहते हैं पेरेंट एलिमेंट भी कहते हैं या उसको कंटेनिंग एलिमेंट भी कहते हैं कि जी कंटेनर है। तो ये बात समझ आ गई। यहाँ पे इन्होंने इसको बना के भी दिखाया हुआ है कि जी ये ना आप ऑरेंज कलर के जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये असल में क्या है, ये डिव हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं जो ऑरेंज कलर के हैं। और इस ऑरेंज कलर के अंदर जो है ये आप देखें पैराग्राफ बना हुआ है। तो ये जो ऑरेंज वाला है ये भी इस केस में भी ये कंटेनिंग एलिमेंट के तौर पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। डिव वैसे डिव को कंटेनर भी ही कहते हैं। अच्छा क्या कह रहा है जी, इट इज़ कॉमन टू ग्रुप अ नंबर ऑफ एलिमेंट टुगेदर इनसाइड अ डिव। ये बहुत आम बात है कि आप क्या करते हैं, एक डिव के अंदर तीन या चार या पांच एलिमेंट को गैदर करके ग्रुप कर देते हैं। अच्छा फॉर एग्जाम्पल यू माइट ग्रुप टुगेदर ऑल ऑफ द एलिमेंट्स दैट आर फ्रॉम द हेडर ऑफ अ वेबसाइट। कह रहे हैं कि जी आप ये कर सकते हैं कि जी हेडर का एक बॉक्स बनाएं और हेडर के अंदर आने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सबको उस डिव में रखें, सारे उस बॉक्स में रखें। आप एक पट्टी बना दें कि जी आज लोगो, इमेज, नेविगेशन बार, इस तरह की जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हो जाएं, उस बॉक्स में आ जाएं। अच्छा द डिव एलिमेंट दैट कंटेन दिस ग्रुप ऑफ एलिमेंट इज देन रेफर्ड टू एज अ कंटेनिंग एलिमेंट। तो अब इस तरह का जो मैंने बनाया ना, एक डिव बनाया उसमें सारे हेडर के एलिमेंट को डाल दिया मैंने, तो वो अब जो डिव है वो कंटेनिंग एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा जी आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि जी ये ऑरेंज लाइन में जो है ना ये रिप्रेजेंट डिव एलिमेंट, और ये पूरा एक्सप्लेन कर रहा है कि इस पिक्चर में क्या दिखाया है उन्होंने। आ जाते हैं जी आगे। अब ये ज़रा तमहीदी गुफ्तगू है अभी तक, अभी लेआउट बनाने के लिए ये तमहीदी गुफ्तगू है। इसने पहले क्या बता दिया, ये बता दिया कि जी ब्लॉक लेवल और इनलाइन होते हैं, और दूसरा इसने ये बता दिया कि एक ब्लॉक के अंदर दूसरा ब्लॉक जब डलेगा तो बाहर वाला कंटेनिंग एलिमेंट कहलाएगा, यानी पेरेंट एलिमेंट कहलाएगा। अब तीसरी बात क्या कर रहा है, कंट्रोलिंग द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स। अच्छा अब यहाँ पे ये बात जहन में रखनी है हमने कि ये जो ऑरेंज कलर का ये दिखा रहा है ना, जो ये ऑरेंज कलर का मतलब है कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट मौजूद है बाहर, और उसके अंदर अभी सारा जो यानी चल रहा है ना हिसाब किताब, वो सारा उसके अंदर चल रहा है। अच्छा CSS has following positioning scheme that allow you to control the layout of a page. Number one, normal flow. Number two, relative position या relative flow. Number तीन, absolute positioning या absolute flow. ठीक है, ये तीन main scheme इन्होंने यहाँ पर बता दी कि ये तीन ना main scheme है। You specify the positioning scheme using the position property in CSS. हम कैसे बताते हैं, पोजीशन करके बताते हैं कि ये पोजीशन क्या होगा। अच्छा यू कैन ऑल्सो फ्लोट एलिमेंट यूजिंग अ फ्लोट प्रॉपर्टी। अच्छा एक चौथी भी स्कीम बता दी इन्होंने कि एक फ्लोटिंग स्कीम है जो इन तीनों के कहीं दरमियान में घूम रही होती है, फ्लोट करती है, ठीक है। अच्छा फ्लोट को भी हम अब यूज़ नहीं करते, लेकिन ये जो तीनों है ना ये तीनों हम यूज़ करते हैं, ठीक है। फ्लोट को ज़रा सा अब अवॉइड करते हैं क्योंकि फ्लोट से करने वाला जो काम था वो हम फ्लैक्स बॉक्स से करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों ये स्कीम ना आपने भूलना नहीं है बिल्कुल, इसको गौर से हम समझ रहे हैं अभी यहाँ पे। अच्छा तो सबसे पहले तो नॉर्मल फ्लो है, एवरी ब्लॉक लेवल एलिमेंट अपेयर्स ऑन अ न्यू लाइन कॉजिंग ईच आइटम टू अपेयर लोअर डाउन द पेज देन द प्रीवियस वन। कह रहे हैं नॉर्मल फ्लो में क्या होता है कि जब ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मैं कोड में रखता हूँ ना, तो जिस सीक्वेंस में मैंने कोडिंग में उसको रखा है वो स्क्रीन पर मुझे उसी सीक्वेंस में नज़र आता है, ठीक है। और जो जिसको पहले लिखा गया है वो पहले दिखता है, और जो उसके बाद लिखा हुआ है वो उसके नीचे दिखता है, उसके मतलब पड़ोस में नहीं आ सकता, उसके उसके लेफ्ट या राइट पे नहीं जा सकता वो। ये नॉर्मल फ्लो है जो हम देखते आए हैं बड़े, अभी जब से शुरू से हमने देखा है, तो ब्लॉक लेवल का हमने यही देखा है कि जी एक ब्लॉक लेवल ऊपर होता है तो उसके बाद नीचे उसके नीचे आता है, उसकी लाइन में नहीं आने देता। तो ये नॉर्मल फ्लो इन्होंने बता दिया कि जी क्या होगा कि ईच आइटम अपेयर लोअर डाउन द पेज, यानी टॉप टू बॉटम ये फ्लो चलेगा और एक के नीचे एक आपको ब्लॉक लेवल एलिमेंट दिखता चला जाएगा। इवन इफ़ यू स्पेसिफाई विड्थ ऑफ द बॉक्सेस देयर इज स्पेस ऑफ फॉर टू एलिमेंट्स साइड बाय साइड दे विल नॉट अपीयर नेक्स्ट टू ईच अदर। अच्छा अब कह रहे हैं कि आपने क्या किया कि दो पैराग्राफ थे, है ना, दो पैराग्राफ थे आपके पास और वो नॉर्मल फ्लो में एक ऊपर और एक नीचे दिख रहा था, आपने दोनों पैराग्राफ की जो विड्थ थी उसको छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया कि अब वो अगर
साइड बाय साइड दिखना चाहें तो दिख सकते हैं, इतनी इतना आपने छोटा कर दिया कि वो साइड बाय साइड नज़र आ जाएं, लेकिन वो फिर भी साइड बाय साइड नहीं आएंगे, वो टॉप टू बॉटम ही नज़र आएंगे, है ना, एक पैराग्राफ ऊपर और दूसरा उसके नीचे ही नज़र आएगा, ठीक है। दिस इज़ द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर, ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर यही है इसका, अनलेस यू टेल द ब्राउज़र टू डू समथिंग एल्स, ठीक है। अच्छा, इस बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे इस नॉर्मल फ्लो को चेंज करना पड़ेगा, अगर मैं चाहता हूँ तो, ठीक है, अगर तो मैं नहीं चाहता तो ठीक है। अच्छा, तो दूसरी स्कीम, अब चेंज करेंगे तो करेंगे क्या, रिलेटिव बना सकता हूँ मैं, मेरे लिए एक पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं उसको रिलेटिव स्कीम में ढाल दूँ, या उसको मैं बोल दूँ पोजीशन क्या हो जाए, रिलेटिव। अच्छा, ये मैं पोजीशन रिलेटिव किसको बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट, ये डिटेल अहम डिटेल है, ये मैं किसको बोल रहा हूँ कि ये मैं किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को बोल रहा हूँ। अच्छा, और वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो किधर मौजूद है, वो किसी एक कंटेनर में मौजूद है, सही है, वो ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो है वो किसी एक कंटेनर में मौजूद है। तो ये दो अहम डिटेल है, उसको यानी इन दोनों अहम डिटेल को कॉन्टेक्स्ट में रख के ये बात समझेंगे तो समझ आएगी, और जब इसको कोडिंग करेंगे तो भी आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ये दो अहम डिटेल, नंबर एक कि ये जो आप रिलेटिव पोजीशन कह रहे हैं ये किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को कह रहे हैं आप, और दूसरी डिटेल कि जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट इट्सेल्फ किसी कंटेनर में मौजूद है। असल में फ्लैक्स बॉक्स इज़ अनदर स्कीम एक्चुअली, अभी वो उसको अभी उस पर नहीं आते हैं, अभी ज़रा इसको समझ लो पहले गौर से, अभी फ्लैक्स बॉक्स को इससे मिक्स नहीं करो, मिक्स करोगे मसला हो जाएगा। अच्छा, रिलेटिव पोजीशन क्या करता है, दिस मूव्स एन एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन इट वुड बी इन नॉर्मल फ्लो, कह रहा है ये क्या करेगा कि नॉर्मल फ्लो में जिस एलिमेंट पे मैं लगा रहा हूँ ना, जो कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसको नॉर्मल फ्लो में जहाँ होना चाहिए था वहाँ से उसको शिफ्ट करेगा, और कहाँ लेके जाएगा, टू द टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट वेयर इट इज वेयर इट वुड हैव बीन प्लेस्ड, सही है, जहाँ पे भी उसने नॉर्मल फ्लो में उसको होना चाहिए था वहाँ से मैं उसको कहता हूँ कि यार अच्छा 6 पिक्सल लेफ्ट पे कर दो, सही है, या 6 पिक्सल राइट पे कर दो, या 12 पिक्सल ऊपर कर दो, या 20 पिक्सल नीचे कर दो, किधर भी लेके जा सकता हूँ मैं, लेकिन जिस पोजीशन, अच्छा अगर मैं बोलूँगा ना 0 पिक्सल, अगर मैं उसको बोलूँगा रिलेटिव पोजीशन और 0 पिक्सल राइट लेफ्ट बोलूँगा, तो वो अपनी जगह ही खड़ा रहेगा, जहाँ नॉर्मल फ्लो में होना चाहिए था वहीं खड़ा रहेगा वो। अच्छा, तो इस केस में इन्होंने देखें क्या किया है, ये दोनों डब्बे आप चेक करें, जो इसके अंदर लेफ्ट वाला जो है वो नॉर्मल फ्लो है, ठीक है, लेफ्ट वाला जो है वो नॉर्मल फ्लो है, और राइट वाले में क्या किया हुआ है, राइट वाले में इस पैराग्राफ को सिर्फ, अब देखें इसमें क्या है, एक हेडिंग है ब्लॉक लेवल, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, तो पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसको इन्होंने क्या बना दिया, इसकी पोजीशन इन्होंने कर दी रिलेटिव, बाकी के दो पैराग्राफ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ, ठीक है। अच्छा, ये तीन पैराग्राफ और ये हेडिंग ये किस में मौजूद हैं, एक कंटेनर में मौजूद है, जो कि ये ऑरेंज कलर से यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट भी किया जा रहा है उसको। अच्छा, तो इस हेडिंग जो पैराग्राफ नंबर 2 है इसके ऊपर इन्होंने लगाया पोजीशन रिलेटिव, और क्या किया, थोड़ा सा उस पैराग्राफ को राइट की तरफ मूव किया है और थोड़ा बॉटम की तरफ मूव किया है, ठीक है। मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि 10 पिक्सल इसको राइट की तरफ मूव किया और 10 पिक्सल बॉटम की तरफ मूव किया है, ठीक है। तो इस पे साथ में पोजीशन रिलेटिव के फौरन बाद क्या लिखा है कि टॉप 10 पिक्सल और बॉटम 10 पिक्सल, ऐसे करके लिखा होगा, ठीक है, सॉरी टॉप 10 पिक्सल और जो है ना राइट 10 पिक्सल। अभी इसको हम लगा के भी देख लेते हैं, चलो आते हैं इसको ना लगा के भी देख लेते हैं, हम इस पूरे को मिमिक करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आके ना CSS के अंदर एक बना लेता हूँ जी, 6.position, ठीक है, और इसमें आगे मैं बना देता हूँ index.html, ये मैंने क्या बना दिया, एक बेसिक HTML बना दिया। इसके अंदर अब मैं बना देता हूँ एक अदर div, ठीक है, जो कि क्या है, कंटेनर है, ठीक है भाई, और इसके अंदर मैं लगा देता हूँ एक अदद H1, ठीक है,
हेलो पोजीशन, एक लगा देता हूँ मैं पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ मैं बुक से ही उठा लाता हूँ। ठीक है, एक पैराग्राफ मैंने ये लगा दिया, और एक पैराग्राफ मैं इसमें और लगा देता हूँ जिसमें मैं उठा लाता हूँ ये वाली बात। सही है, और तीसरे पैराग्राफ को मैं ये वाली बात बता देता हूँ। ठीक है, अब मैंने एग्जैक्टली क्या कर दिया, वो तीन पैराग्राफ वाली जो चीज़ थी ना बुक में जो इन्होंने बताई हुई है वो यहाँ पे मिमिक कर दी है। अच्छा, इसको अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी पाथ करके ब्राउज़र में अगर लेके जाता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का दिखने लग जाता है ये। ठीक है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। अच्छा, इस वक्त ये तीनों के तीनों ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या हैं, एक डिव के अंदर मौजूद है। ठीक है, जो कि डिव इसका क्या कहला रहा है, इसका पेरेंट कहला रहा है। ठीक है जी, अच्छा अब हमने क्या काम करना है, अब हमने काम ये करना है, मुझे बुक चाहिए इस तरफ, और उसके बाद चाहिए कोड, और उसके बाद चाहिए रिजल्ट, लाइक दैट। अच्छा, अब मुझे सेकंड वाला जो पैराग्राफ है इसके पोजीशन को चेंज करना है, इसके पोजीशन को करना है रिलेटिव। तो आ जाते हैं जी, सेकंड वाले पैराग्राफ को मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं सेकंड नाम की एक क्लास दे देता हूँ जिसके ज़रिए मैं इसको टारगेट करूँगा। स्टाइल का टैग लगाता हूँ मैं, और मैं कहता हूँ कि जी सेकंड जो है ना उसकी पोजीशन क्या कर दो, रिलेटिव कर दो। सही है, अच्छा पोजीशन रिलेटिव करने से ही अपनी जगह से मूव नहीं करेगा, ये फिक्स उसी जगह पे खड़ा हुआ जाएंगे पहले तक, जब तक मैं इसको टॉप बॉटम कितना किधर मूव करना ये बताना दूंगा। सही है, अच्छा अब मैं क्या बोलता हूँ, सेकंड, अब सही है, हाँ सही हो गया। अच्छा अभी, हाँ एक मिनट, ये मूव नहीं करेगा कहीं, सही है, मूव नहीं किया इसमें। अब मैं इसको बताता हूँ कि यार टॉप से आप कितने मूव कर जाओ, 30 पिक्सल मूव कर जाओ। सही है, तो अब क्या होगा, ये टॉप से 30 पिक्सल टॉप की तरफ चला जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, देखते हैं अभी। हाँ डॉट भी तो लगाना था इस पर, अप्लाई हुआ है कि नहीं हुआ यार, देख लूँ फाइनली। हाँ नहीं, अप्लाई हो गया, ठीक है सही है। अब जैसे ही मैं टॉप से 30 पिक्सल लगाता हूँ ना तो वो टॉप से 30 पिक्सल हो जाता है। अच्छा, अगर मैंने इसको ये टॉप 30 लगाने से क्या हो रहा है, थोड़ा अपनी जगह से नीचे आ जा रहा है ये। अगर मैंने इसको अपोजिट करना हो तो मैं क्या लगाऊँगा, बॉटम 30 पिक्सल लगाऊँगा, तो ये अपोजिट इसका बिहेवियर होगा फिर। सही है, ऊपर की तरफ मूव कर गया ये। अच्छा, अगर मैं इसका कंटेनर फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन में इसका मैं कंटेनर हटा भी दूँ ना तो ये सही काम करेगा। सही है, कंटेनर इतना मैटर नहीं कर रहा है इस सिचुएशन में, लेकिन स्टिल ये जैसा कि इन्होंने बोला कि जहाँ पे नॉर्मल फ्लो में इसको होना चाहिए था ये वहाँ से मूव करेगा, अभी कंटेनर से रिलेटिव नहीं हुआ ये, अभी ये किससे रिलेटिव हुआ है कि नॉर्मल फ्लो में जहाँ इसको होना चाहिए था वहाँ से ये 30 पिक्सल ऊपर या नीचे या लेफ्ट या राइट चले जाएगा। ठीक है, अभी तो ये इसने ये बोला है, अभी जो कंटेनर वाला केस ना अभी आएगा। अच्छा, और मैं इसको बोलता हूँ अब कि क्या हो जाओ आप 30 पिक्सल नहीं, आप मैंने बोला यार 10 पिक्सल आप बॉटम से जाओ यानी ऊपर हो जाओ थोड़ा, और प्लस जो है 30 पिक्सल आप क्या हो जाओ लेफ्ट से हो जाओ। सही है, लेफ्ट से यानी कि राइट की तरफ मूव कर जाओ आप 30 पिक्सल। ये मैंने वो सेम काम करा दिया जो बुक में इन्होंने किया हुआ था ना, थोड़ा सा लेफ़्ट थोड़ा सा इधर करा दिया, तो ये रिलेटिव पोजीशन हो गया हमारा। अच्छा वापस आ जाते हैं बुक में हम, तो ये रिलेटिव पोजीशन वाला जो काम था ये हमने समझ लिया। तो इन्होंने जो बोला था कि भाई दिस मूव एलिमेंट फ्रॉम द पोजीशन इट वुड बी इन नॉर्मल फ्लो
है ना, जहाँ पे नॉर्मल फ्लो में इसको होना चाहिए था, वहाँ से इसको क्या करेगा, शिफ्टिंग इट टू द टॉप राइट बॉटम और लेफ्ट, सी किसी भी पोजीशन में इसको मैं मूव करा सकता हूँ। अच्छा, मैं जितना चाहूँ मूव करा दूँ, मैं पूरी स्क्रीन से भी बाहर कर सकता हूँ इसको, इतना ज़्यादा मूव करा सकता हूँ मैं कि पूरी स्क्रीन से भी बाहर हो गया, ये मुझे मना नहीं करेगा, करने देगा। पूरा कंटेनर ही आगे पीछे हो रहा है असल में ये, अगर मैं इसको देखो इंस्पेक्शन करूँ ना, ये देखो ये कंटेनर इधर है, ये इधर है, बल्कि इसमें मैं बॉर्डर भी लगा देता हूँ लगे हाथों, ठीक है, मैं इसमें बॉर्डर भी लगा देता हूँ ताकि ये दिखे। टू पिक्सल सॉलिड ग्रीन, सही है, ये मैंने इस पर बॉर्डर्स लगा दिए हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर वालों पे भी बॉर्डर लगा देता हूँ मैं, इसके अंदर वालों पे भी बॉर्डर लगा देता हूँ, अंदर वाले पैराग्राफ है ना, कॉमा पैराग्राफ कॉमा H1, इन तीनों पे सब पे मैंने क्या लगा दिया, बॉर्डर लगा दिया। अब आप देख रहे हैं ये कैसे हो रहा है, ये वाला जो बॉक्स है ना, ये पूरा स्क्रीन से बाहर है जितना मैंने उसको किया है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ स्क्रीन के अंदर आ जाइए, इसकी मैं विड्थ थोड़ी कम कर दूँगा, इसकी मैं विड्थ थोड़ी सी कम कर दूँगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जो मेरे पास है अभी ना, ये वाला पैराग्राफ है ना, इसको आके मैंने बोला कि यार आपकी जो विड्थ है ना वो 300 पिक्सल ही होनी चाहिए, 300 पिक्सल होनी चाहिए, सही है, ऐसे करके। अच्छा, स्टिल ये ऐसा लग रहा है कि शायद इस तरह करके मैं सेंटर कर सकता हूँ इसको, ठीक है, बट इसको सेंटर करने के लिए मैं ये काम नहीं करूँगा कभी भी। जैसे मैंने लेफ़्ट को ना मज़ीद बढ़ाया, इसको मैं सेंटर पे भी ला सकता हूँ इस तरह करके ना, लेकिन ये सेंटर करने के लिए ये चीज़ नहीं बनाई गई है। प्लीज़ इस तरीके से किसी भी बॉक्स को सेंटर करने की कोशिश ना करें। क्यों, वो इसलिए ना करें कि जब ये ना, जैसे ही देखो स्क्रीन का साइज़ चेंज होगा ना, ये देखो इधर साइड पर चला गया, ठीक है, तो ये सेंटर करने के लिए नहीं बनाया गया, ये रिलेटिव पोजीशन, अगर आपको किसी भी एलिमेंट को जहाँ उसको होना चाहिए था वहाँ से उसको मूव करना है कहीं और, ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास कि जी जहाँ पे होना चाहिए था वहाँ से मूव करना है। अच्छा, स्टिल जैसे आप कोई प्रोफाइल पिक्चर है, अब प्रोफाइल पिक्चर अगर कोई आती है ना आपके पास, मिसाल के तौर पर ये हेलो के पड़ोस में आपने प्रोफाइल पिक्चर लगा ली है ना, तो उसमें भी ये रिलेटिव करके मैं यूज़ नहीं करूँगा, उसमें मैं मार्जिन पैडिंग करूँगा कि जी प्रोफाइल पिक्चर और ये हेलो के दरमियान में जो फासला है ना वो मैं मार्जिन पैडिंग से दूंगा, वो मैं इससे नहीं दूंगा, ये भी नोट करने वाली बात है। तो इसकी अब ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, ये अभी आपको आइडेंटिफाई नहीं हुआ, अभी आपको क्या, अभी आपका जो इंट्रोडक्शन है ना वो इस टूल से हुआ है कि हमारे पास एक ऐसा टूल मौजूद है कि जिसको इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जो एलिमेंट नॉर्मल फ्लो में उसको जहाँ होना चाहिए था वहाँ से हम उसको मूव करा सकते हैं राइट लेफ्ट या टॉप बॉटम, लेकिन इसको इस्तेमाल कहाँ करना है वो अभी वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, वो इंशाल्लाह हम उसका ना एक्सप्लोर कर लेंगे गूगल से कि जी वो किस सिचुएशन में ना एग्जैक्टली ये करना पड़ेगा हमें। वेल, आ जाते हैं हम दोबारा यहाँ, अच्छा जी बुक में आ जाते हैं वापस। तो ये रिलेटिव पोजिशन हमने डिस्कवर कर लिया, उसके बाद है जी एब्सोल्यूट पोजिशनिंग। एब्सोल्यूट पोजीशनिंग क्या करता है जी, कि दिस पोजीशंस द एलिमेंट इन रिलेशन टू इट्स कंटेनिंग एलिमेंट, ये क्या कर देता है उसको कि एलिमेंट को जहाँ होना चाहिए था वहाँ से उठा के किधर फेंक देता है, जो भी कंटेनिंग एलिमेंट होता है उसके एज पे ले जाके उसको फेंक देता है, सही है। अब मैं उसको क्या बोलूँगा, अब मैं उसको बोलूँगा कि मेरा जो कंटेनिंग एलिमेंट है उसके, अगर मैं कहता हूँ टॉप ज़ीरो और राइट ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि वो टॉप राइट पे जाके चिपक जाएगा, जो कि इस वक्त यहाँ पे देखें हुआ हुआ भी है, ठीक है, ये टॉप राइट पे जाके चिपक गया, ठीक है। इट इज़ टेकन आउट ऑफ द नॉर्मल फ्लो, नॉर्मल फ्लो से बाहर निकाल लिया जाता है उसको, ठीक है, मीनिंग दैट इट डज नॉट अफेक्ट द पोजिशन ऑफ एनी सराउंडिंग एलिमेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देखें जो रिलेटिव था ना इससे पहले जो हम पढ़ा हमने, उसमें ये अपनी जगह नहीं छोड़ता, जहाँ पे इस एलिमेंट को होना चाहिए था ना वहाँ पे वो जगह पूरी कैप्चर करके रखता है, बावजूद इसके कि देखो अभी मैंने उसको पूरी पूरे पेज से भी इसको मैंने बाहर निकाल देना है ना, अगर इंस्पेक्ट में दोबारा जाता हूँ मैं, इसको मैं पूरे पेज से भी बाहर निकाल दूंगा ना, तो ये जहाँ पे इसको होना चाहिए था ना, बॉक्स तो मूव कर गया लेकिन वहाँ जगह नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। इसको मैं देखो अगर और मूव कराता हूँ, मैंने कहा कि यार बॉटम पे जो है ना ये आप इतना मूव करो कि स्क्रीन से बाहर हो जाओ, लेकिन आप देखो जगह वो पकड़ के बैठा हुआ है जहाँ उसको होना चाहिए था, ठीक है, तो ये वाला है, ठीक है। मैंने कहा भाई 1200 पिक्सल आप हो जाओ स्क्रीन से गायब,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना, तो यहाँ कुछ है नहीं, ये एक एलिमेंट है, उसके नीचे ये दूसरा एलिमेंट है, बीच में क्या है, लेकिन ये गैप लेके बैठा हुआ है। तो ये रिलेटिव पोजीशन में जो है ना, ये होता है कि ये गैप छोड़ता नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इसने बात की है ना एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट में इसने बात की है कि मीनिंग इट इज़ टेकन आउट ऑफ द नॉर्मल फ्लो। नॉर्मल फ्लो से यूँ बाहर निकाल लिया जाता है उसको, और ऊपर और नीचे वाले एलिमेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, वापस में चिपक जाता है। ठीक है, तो ये हमने बात देखी है। और क्या लिख रहा है, एब्सोल्यूटली पोजिशनड एलिमेंट्स मूव एज यूजर स्क्रॉल अप एंड डाउन द पेज। सही है, कह रहे हैं कि एब्सोल्यूटली पोजिशन जो एलिमेंट होता है वो जब यूज़र स्क्रीन को स्क्रॉल करता है ऊपर नीचे, मिसाल के तौर पर मैं वापस यहाँ आता हूँ और वापस यहाँ आके देखो जो, बल्कि इसके मैं ज़रा बॉर्डर का कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं क्या कर देता हूँ, ऑरेंज ही कर देता हूँ इस वाले को। बॉर्डर 1 pixel सॉलिड ऑरेंज। तो ये जो मेरे पास 1 pixel कर दिया मैंने, उसको 2 pixel कर देते हैं। ये जो मेरे पास ऑरेंज कलर का जो बॉक्स है ना, जब मैं स्क्रीन को देखो स्क्रॉल करता हूँ तो ये ऑरेंज बॉक्स मूव करेगा ना। अभी तो मेरे स्क्रीन पर कंटेंट नहीं है, ज़रा मैं कंटेंट भी चलो लगा देता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ यार इस तरह के पैराग्राफ ना बाहर भी हैं, और मैंने कहा कि इस डिव से बाहर एक और डिव है दूसरा, जिसके अंदर और बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं। ठीक है, जस्ट टू मेक माई पेज स्क्रॉलेबल। तो अब देखो ये जो ऑरेंज वाला जो बॉक्स है, ये बॉक्स ये मूव हो रहा है ना, तो जो अगर मैं बोलता हूँ ना इसको उठा के कि भाई इसको यहाँ पे लाके खड़ा कर दो, उठा के बॉटम टॉप टॉप राइट कॉर्नर पे लाके खड़ा कर दो, तो जाहिर है जब ये पूरा बॉक्स मूव होगा तो वो एलिमेंट भी मूव होगा इसके साथ। अच्छा, रिलेटिव भी क्या हो रहा है कि जहाँ पे उसको होना था वहाँ से मैंने राइट लेफ्ट कर दिया, लेकिन जब बॉक्स मूव होगा तो वो पूरा का पूरा एलिमेंट मूव करेगा। अच्छा, अब ये इसने क्यों बताया, क्योंकि इसके अगला जो आने वाला है ना उसमें वो मूव नहीं करेगा, उसमें वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। तो पहले इसको एक काम करते हैं, लगा के देख लेते हैं। अच्छा, इसका जो मोस्ट कॉमन यूज़ है वो क्या होता है, मोस्ट कॉमन यूज़ इसका कि किसी चीज़ को मैंने किसी एक ख़ास जगह पे लगाना है। जैसे मिसाल के तौर पे इस कार्ड को देख के भी आपको फ़ील हो रहा होगा कि ये कार्ड इन्होंने एक ख़ास तरह से बनाया हुआ है, ये काम ना बगैर मैं इसके कर ही नहीं सकता, बगैर मैं एब्सोल्युटली पोजिशन किए ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस तरह का एक कार्ड बनाने की कोशिश करता हूँ अपने पास। ठीक है, इस तरह का एक कार्ड बनाने की कोशिश करता हूँ, और इसी तरह की एक हेडिंग मैं इसके नीचे वाले पे डब्बे पे लगा रहा हूँ। सही, नीचे वाले डब्बे पे एक हेडिंग है और 3 paragraphs हैं। अब ये हेडिंग जो है इस वक्त ये मुझे ऐसे दिख रही है। अब मैं चाहता हूँ ये हेडिंग एक तो अलाइन हो जाए राइट की तरफ, और ये ज़रा चपक जाए ऊपर बॉर्डर के साथ, है ना। तो इस तरह की कोई चीज़ करना चाह रहा हूँ मैं, और ओवरलैप कर जाए मेरे दूसरे एलिमेंट्स को, तो वो मैं बगैर इसके पोजिशन चेंज किए काम नहीं कर सकता। अगर मैं जस्ट इस पे लगाता हूँ ना टेक्स्ट अलाइन, तो ये इस तरह हो तो जाएगा, ये हो तो गया इस तरफ, लेकिन जब इस पे मैं CSS लगाऊंगा, कोई बैकग्राउंड कलर लगाऊंगा, तो ये स्टिल पूरे पे आ जाएगा। मैंने कहा कि जी बैकग्राउंड कलर रेड मिसाल के तौर पे, क्योंकि मैं इसको देखना चाह रहा हूँ प्रोमिनेंट। अब इस तरह से हो गया ये। अब मैं ये चाहता हूँ कि यार ये अपनी जगह छोड़ दें यहाँ से, ये अपनी जगह क्या कर दें, छोड़ दें यहाँ से। ठीक है, और अपनी जगह छोड़ के ये पैराग्राफ्स ऊपर आ जाए, तो ये मैं बगैर पोजीशन चेंज किए इसके कर नहीं सकता ये। अच्छा, अब देखो जैसे ही मैं क्या करता हूँ, इस H1 पे आके ना मैं इसको बोलता हूँ जैसे ही कि यार आपकी ना पोजीशन आप क्या कर दो, पोजीशन आप अपनी कर लो एब्सोल्यूट कर लो। ठीक है, एब्सोल्यूट जैसे ही मैंने पोजीशन की अपनी, तो आप नोट करें ये एलिमेंट जहाँ होना चाहिए था ये वहीं खड़ा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल फ्लो से बाहर निकल चुका है। नॉर्मल फ्लो से बाहर निकलने का रीज़न क्या हुआ फिर, उसकी वजह से कि जो पीछे एलिमेंट्स मौजूद थे ना उनको लग रहा है ये है ही नहीं, वो सर उसकी जगह पे मूव हो गया। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसको मूव करवाना है इन रिलेशन टू द बॉक्स, इन रिलेशन टू इट्स पैरेंट, इन रिलेशन टू इट्स कंटेनर। तो मैं अगर इसको बोलता हूँ ना कि टॉप पे हो जाओ आप 0 pixel। अच्छा, ये वाला हमारे पास एक इशू आया था लास्ट पहले भी ना, कि हमें ना पेरेंट पे भी एक चीज़ लगानी पड़ती थी इसके लिए, जब जाके ये सही काम करता था, उसके अलावा ये काम नहीं करता था। क्या था वो, पेरेंट के ऊपर रिलेटिव लगाना पड़ता था ना हमें। तो मैं आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार
मैंने इसको क्लास कार्ड बता दिया ना सेकंड वाले को, और मैं यहाँ आके बोलता हूँ कि यार ये जो कार्ड है ना मेरा, इसको मैंने कहा कि पोजीशन रिलेटिव है ये, सही है। अच्छा ये सारी ख़त्म हो गई स्टाइलिंग क्योंकि मैंने यहाँ पे की हुई थी, आके इसको कर देते हैं यहीं पे फिर। और जो मेरा कार्ड है, ये कार्ड वाला है ना, इसके अंदर जो H1 है उसको, उसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ कि यार डॉट कार्ड के एन अंदर जो H1 लगा हुआ है उसको क्या कर दो आप, पोजीशन उसकी एब्सोल्यूट कर दो, और उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको रेड कर दो, सही है। तो ये वही वाला काम दोबारा हो गया। अब मैं इसको ज़रा लेफ्ट राइट मूव कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैंने इसको बोला कि यार टॉप हो जाओ आप 0 पिक्सल, ठीक है, जो कि ऑलरेडी ये 0 ही पिक्सल पे था टॉप। अच्छा लेकिन अब मैं इसको क्या करूँगा, अगर मैं 10 पिक्सल बोलूँगा तो देखो ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे मूव करता जा रहा है, ठीक है, इन रिलेशन टू द बॉक्स, ठीक है। मैं इसको बिल्कुल नीचे भी ले जा सकता हूँ, लेकिन बिल्कुल नीचे मैं नहीं लेके जाऊँगा इसको, ठीक है। मिसाल के तौर पर बिल्कुल नीचे मैं इस तरह नहीं लेके जाऊँगा, अगर मुझे बॉटम पर इसको चिपकाना है ना तो फिर मैं टॉप नहीं दूंगा, फिर मैं बॉटम लूँगा 0। क्यों, रीज़न पता है क्या, देखो अभी मिसाल के तौर पर मैंने कह दिया इसको 600 पिक्सल जो है ना टॉप से, मैं इसको नीचे की तरफ कर दिया। अब देखो ये बॉक्स ही अपने बाहर निकल गया। अच्छा लेकिन अगर ये बॉक्स ग्रो करेगा तो ये बॉक्स के अंदर आ जाएगा, ये वाला मसला होगा। तो अगर मैंने इसको बॉटम पे चिपकाना है ना तो मैं इसको बोलूँगा कि यार बॉटम और 0 पिक्सल, तो ये बॉटम पे चिपक गया है, ठीक है। अच्छा बॉटम पे चिपक नहीं गया, ये थोड़ा सा ये मार्जिन इसके ऊपर है ऊपर नीचे, तो ज़रा वो मार्जिन भी काउंट कर रहा है, उसको मैं हटा दूंगा तो वो बिल्कुल चिपक जाएगा अगर, ठीक है। तो इसको मैं देखो कहीं भी घुमा सकता हूँ, ये मैंने क्या कर दिया बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे इसको कर दिया। अच्छा लेफ्ट भी मैं अगर मेंशन कर दूँ यहाँ तो ज़्यादा बेहतर है, लेफ्ट 0 पिक्सल ये मैंने मेंशन कर दिया, या इसकी जगह मैं राइट भी कर सकता था, राइट 0 पिक्सल, तो ये मैंने बॉटम राइट पे इसको कर दिया, या बॉटम टॉप भी हो सकता था, मैं इसको कहूँगा बॉटम टॉप राइट, ये देखो ये मैं टॉप राइट पे लेकर आ गया इसको, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल हो गई। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है ये कि अगर आपको सीएसएस में कोई ऐसी चीज़ बनानी हो ना कि कुछ इस तरह की आपको चीज़ अगर बनानी हो, क्या ही? इस तरह की चीज़ अगर आपको चाहिए हो, ये मैंने एक इमेज डाउनलोड कर ली है और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, सेव इमेज एज, डाउनलोड्स में जाके ये क्या हो गई है, सेव हो गई है इमेज मेरे पास, और इस इमेज को उठा के मैं अपने यहाँ पे लाना चाह रहा हूँ, डाउनलोड्स, ये PNG इमेज है एक चुन्नी मुन्नी सी, इसको उठा के मैं अपने इधर लेकर आ गया। अब मुझे अगर इस इमेज को उठा के यहाँ पे लाके मैंने मेरा जो भी बॉक्स है, मेरा जो भी डब्बा है, मैं उस डब्बे के इस कोने पे ना इसको ऐसे लगाना चाह रहा हूँ, होता है ना बहुत सारी जगहों पे इस तरह का दिखा होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि ये मेरा, इमेजिन करो ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो पैराग्राफ है इसके अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर मैं कोने पे ना इसको छोटा करके लगाना चाह रहा हूँ, ये जो ये बड़ा ऑरेंज बॉक्स है, इस बॉक्स में मैं इसको यहाँ यूँ लगाना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मुझे ना एब्सोल्यूट पोजीशन की ज़रूरत पड़ेगी 100%, उसके बगैर ये काम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चाहे किसी भी फ्रेमवर्क में चला जाऊँ मैं, कुछ भी करूँ, ये CSS में एक ही तरीका है इसको करने का, वो है एब्सोल्यूट, ठीक है, या इसी से मिलता जुलता कोई पोजीशन वगैरह से छेड़छाड़ करके ही ये काम होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लगाता हूँ और इस बॉक्स में, ये जो मेरा फर्स्ट बॉक्स था ना जिसके अंदर मैंने क्या प्रैक्टिस की थी, इसमें मैंने प्रैक्टिस की थी रिलेटिव पोजीशन, तो रिलेटिव पोजीशनिंग जिसमें मैंने प्रैक्टिस की थी उसमें मैं इसको डब्बे को यहाँ लगाना चाह रहा हूँ इधर, कि यहाँ पे आगे चमक जाए, देखते हैं अब कैसे होता है ये। अच्छा मैंने कह दिया कि bookmark.png, और bookmark.png को मैंने कहाँ लगाना है, फिर मैंने इसको लगाना है फर्स्ट वाले डिव के अंदर, इसको यहाँ पे टॉप पे मैं img लगाता हूँ और .slash bookmark.png बुकमार्क इमेज आइकन बल के,
ठीक है। अब ये यहाँ पे ना कुछ इस तरह का दिख रहा है अभी, ठीक है। अच्छा अगेन वही वाली बात है कि ये इमेज मुझे जितनी बड़ी लगानी होती है मुझे उतनी ही बड़ी चाहिए होती है इमेज। अभी मेरा ये बैड प्रैक्टिस है कि मैंने एक बड़ी इमेज लगाई है, हालांकि मैं उसको छोटा करके डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये फ़िलहाल टाइम को बचाने के लिए मैंने काम किया है। मैंने कहा कि विड्थ आपकी हो जाए 200 पिक्सल हो जाए, नहीं ये भी बहुत बड़ा है यार, ये 80 पिक्सल हो जाए, सही है, अब गुड इनफ है ये। अच्छा अब जो ये इस कोने पे दिख रहा है, मुझे इसको इस कोने पे नहीं बल्कि दूसरे कोने पे लेके जाना है। और मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई टेक्स्ट आता है ना इसके ऊपर तो वो भी ओवरलैप हो जाए, ऐसा ना हो कि ये टेक्स्ट जैसे अभी इसने जगह छोड़ी हुई है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे जगह नहीं छोड़े, टेक्स्ट अपनी जगह पर जहाँ होना चाहिए उसको, बस ये ऐसे साइड पर दिख रहा हूँ जस्ट। तो मैं आके बोलूँगा कि इस इमेज की क्या कर दो पोजिशन, एब्सोल्यूट कर दो इसकी पोजिशन, कौन सा है ये कंटेनर वाला डिव है ना ये। तो मैंने कहा कि कंटेनर के अंदर जो इमेज मौजूद है कंटेनर के अंदर जो इमेज मौजूद है उसकी जो पोजीशन है वो क्या कर दिया जाए, एब्सोल्यूट कर दिया जाए, ठीक है। और एब्सोल्यूट करते ही क्या हुआ, ये मेन फ्लो से इसको बाहर निकाल लिया गया और मेन फ्लो से बाहर निकाल के ये ऊपर आ गया सारे फ्लो से ये। अच्छा अब अगला काम मुझे क्या करना है, इसको मुझे राइट टॉप राइट के ऊपर इसको मैंने अलाइन करना है, आ जाओ टॉप राइट पे इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ। अच्छा ये ज़रा ना बॉर्डर वॉर्डर ज़रा कचरा हो गया, थोड़ा सा इस बॉर्डर को अब मैं रिमूव कर देता हूँ, ये जो समझाने के लिए मैंने लगाया था ये ग्रीन वाले को तो ख़ास तौर पर मैं हटा दूँ, ठीक है, ज़रा क्लीन हो गया अभी ये मेरा काम, ठीक है। यहाँ पे भी इसको ज़रा मैंने कचरा ही किया हुआ है एक्चुअली, सही है। अच्छा इसके ऊपर मैंने इसको तो मैंने राइट पे अलाइन किया था ना, इधर कैसे आ गया, वो मैंने शायद इधर ही लगाया था, चलो वापस इसको राइट पे कर देता हूँ मैं। मैंने कहा कि यार टॉप 0 और राइट 0, सही है, 0 पिक्सल भी बोल सकता हूँ या सिर्फ 0 बोल दूँ तो एक ही बात है क्योंकि इसमें पिक्सल ही होता है सिर्फ, इसको मैंने वापस वहाँ कर दिया, सही है। सेम चीज़ मुझे इस बुक मार्क वाले के साथ भी इसको यहाँ पे लाके खड़ा करना है मैंने, आ जाओ भाई बुक मार्क वाले पे। अच्छा मैं क्या बोलूँगा भाई इस इमेज को कि भाई आप किधर चले जाओ, आप चले जाओ टॉप 0 पिक्सल, सही है, और राइट, राइट से मैं बिल्कुल 0 नहीं करना चाह रहा, राइट से मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा ये रहे आगे रहे ना, तो राइट से मैंने कहा कि यार 100 पिक्सल, सिर्फ 100 भी लिखूँगा वैसे तो एक ही बात है, सिर्फ सही 100 लिखूँगा मैं इसको, आ जाते हैं जी रिफ्रेश। अच्छा ये हिला नहीं अपनी जगह से क्योंकि इसका जो पैरेंट था वो रिलेटिव उसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कंटेनर को मैं बोलूँगा कि भाई क्या हो आप, सही है। अब देखें कंटेनर को ना रिलेटिव मेंशन करना पड़ रहा है, जब भी उसने वो बुक में लिखा था कि एक कंटेनर के अंदर है ये जो H1 ये जो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सेट हुआ लेकिन ये इस पर अप्लाई क्यों नहीं हुई है, राइट 100, एक मिनट इसको मैं यहीं से स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ ना, इस पर यहीं से मैं इस पर स्टाइलिंग अप्लाई करता हूँ ना, ये क्या कह रहा है राइट से नहीं हो रहा, नहीं राइट से अगर इसको मैं 0 करूँ, अच्छा अच्छा वो कह रहा है कि 0 लिखोगे आप तो मसला नहीं है लेकिन 0 के अलावा कुछ लिखोगे तो पिक्सल लगाना है उसके साथ, वो ये कह रहा है, कह रहा है 0 में तो चलो पिक्सल नहीं लगाया आपने ठीक है लेकिन यहाँ पिक्सल लगाना पड़ेगा आपको, वो ये कह रहा है, सही है, ये हो गया, ठीक है। इसको आइडियली, अच्छा अब क्या होगा जब मैं इसको मूव करूँगा ना जब, तो ये क्योंकि मैंने राइट से इसको रिलेटिव किया हुआ है, मैंने कहा राइट से 100 है तो ये हमेशा राइट से ही 100 रहेगा चाहे इधर कुछ भी होता रहे, ठीक है। और ये जो है वो क्या करेगा इस बॉक्स के साथ, आप देखें जब ये स्क्रॉल होता है ना तो ये इस बॉक्स के साथ साथ ये मूव करेगा, जहाँ ये बॉक्स जाएगा स्क्रॉल होके उधर ये पूरा का पूरा आइटम भी उधर जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा मैं और कम करता हूँ, मैं कहता हूँ 70 पिक्सल, सही है 70 पिक्सल कर दिया इसको मैंने। अब अगर बॉक्स मेरा पूरा का पूरा बॉक्स ही मेरा 70 पिक्सल का है तो ये देखो किधर जा रहा है, ये स्टिल राइट से 70 पिक्सल फॉलो करेगा। अब इसको हैंडल करने का क्या तरीका है, अगर मेरी स्क्रीन बहुत छोटी हो जाती है मेरा कार्ड बहुत छोटा हो जाता है तो इसको मैं कंडीशनली या तो चेंज करूँगा इसके उसको जो 70 पिक्सल मैंने किया हुआ है ना राइट से, अभी जो यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ ना कि राइट से आप कितने हो, राइट से आप 70 पिक्सल हो, तो या तो मैं इसको चेंज करूँगा छोटी स्क्रीन पे आके मैं बोलूँगा कि भाई आप ना 30 पिक्सल हो, सही है
ये मीडिया क्वेरी से ये काम होगा कि स्क्रीन का साइज़ जब 600 से कम हो जाए तो इसको 30 कर दो, और 600 से ज़्यादा हो तो इसको 70 कर दो। वो अभी हमने सीखी नहीं है मीडिया क्वेरी, सीखते हैं अभी हम जल्दी। तो ये वाला हो गया सीन। और जब स्क्रीन बड़ी हो तो फिर उसको मैं अकॉर्डिंगली चेंज, तो हर स्क्रीन साइज़ पे मैं अलग अलग कर सकता हूँ, सही है। या मैं बोल सकता हूँ कि इतने से छोटे पे ही उतने, तो दो या तीन सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन उसमें जितनी लिमिटेशन नहीं है कोई इसके अंदर। आप 4 या 10, 400 कंडीशन लगा दें आप 400 अलग अलग साइज़ के ऊपर, तो वो चल जाता है। तो हम मोस्ट कॉमन जो है ना हमारे पास ये 4 या 5 साइज़ हैं, जो आप कैसे दिखेगा, या मोबाइल पे क्लिक करोगे ना आप तो यहाँ पे दिख रहा होता है ना, मोबाइल स्मॉल, मोबाइल देखो, मोबाइल मीडियम में ना 375 विड्थ होगी, तो मोबाइल मीडियम कंसिडर कर रहा है उसको। ये वाला बटन है ना, ये बटन दबाओगे ना तो ये आ जाएगा ये, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन इन्होंने लगाया था मोबाइल लार्ज में। आप देखें 425 पिक्सल अगर विड्थ है ना तो मोबाइल लार्ज कंसिडर किया जाता है उसको, कि जो मतलब बड़ी स्क्रीन वाले फ़ोन है आमतौर पर उसमें ये होता है साइज़। फिर उसके बाद है टैबलेट, टैबलेट है 768 पिक्सल, ये सेवन ये टैबलेट आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको मैं अगर जूम आउट करूँगा ना तो ये देखो यहाँ पे क्या आ गया, लैपटॉप आ गया 1024, ठीक है। और मैं इसको जूम आउट करूँगा तो ये लैपटॉप लार्ज आ गया 1440 पिक्सल, ठीक है। मेरी जो स्क्रीन है वो 1440 की है, ये स्क्रीन है मेरी, ठीक है। अगर मैं ये सब हटा देता हूँ ना तो मेरी स्क्रीन पर मुझे इस तरह का दिखेगा कुछ आउटपुट, ये इस तरह का दिखेगा आउटपुट, ठीक है। तो ये हमने सीख लिया। हाँ, मीडिया क्वेरी रिस्पॉन्सिव से ताल्लुक है उसका। अच्छा, ये एब्सोल्यूट पोजीशनिंग समझ आ गई सब लोगों को? अच्छा, अब लास्ट हमारी जो है ना, जो पोजीशन है फिक्स, फिक्स पोजीशन करके हम अभी आज की क्लास को कंप्लीट करते हैं, टाइम भी हमारा पूरा हो गया है। सही है, पढ़ देना फिक्स भी। दिस इज अ फॉर्म ऑफ एब्सोल्यूट पोजीशन दैट पोजीशन द एलिमेंट इन रिलेशन टू द ब्राउजर विंडो। कह रहा है कि ये भाई एब्सोल्यूट ही है, ये भी क्या है, एब्सोल्यूट है, लेकिन ये क्या होता है, ये ब्राउजर की विंडो पे एब्सोल्यूट हो जाता है, इसका उस कंटेनर से भी बाहर आ जाता है, ये हर चीज़ से बाहर आ जाता है और ये टॉप पे आके खड़ा हो जाता है, और ये ब्राउजर के विंडो से ये रिलेटिव हो जाता है। स्क्रॉल करेंगे तो ये हिलता भी नहीं है अपनी जगह से, ये स्क्रॉल करने पे फिक्स रहता है। अभी अभी पहले इसको कर लें ज़रा। हाँ, अरे अभी रुक जाओ, इसको लगा लें ना, लगा लें। ये देखो, ये हमने उठाया एक, अरे क्या उठा लिया ये, सही है। ये इस तरह की एक चीज़ मैं उठाना चाह रहा हूँ यहाँ से, सही है, ये मुझे मिल गया। लेकिन यार ये व्हाट्सएप नहीं है, व्हाट्सएप का यही होता है ना आइकन, व्हाट्सएप का आइकन ऐसा होता है, कैसा होता है? व्हाट्सएप ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। चलो, ये हमने ना राइट क्लिक किया और सेव इमेज एज डाउनलोड्स में जाके मेरे पास ये सेव हो गया। इसको उठा के मैं लाता हूँ अब अपने पास, और यहाँ पे लाके मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। स्टिल मुझे ऐसा इमेज चाहिए होता है, जितना बड़ा मैंने डिस्प्ले कराना है उतना बड़ा इमेज करता हूँ मैं। नहीं, इसको मैं चेंज करूँगा, इसको मैं चेंज करूँगा। देखो, वापस जाता हूँ मैं इधर, यहाँ पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया तो देखो ये मुझे बता रहा है कि ये कितने इसके डायमेंशनस का है, ठीक है। 360 पिक्सल बाई 360 पिक्सल का ही, ठीक है। तो इसको फोटोपिया एक सॉफ्टवेयर हमने डिस्कस किया था, किया है ना इस क्लास में, तो उस सॉफ्टवेयर से मैं इसको छोटा करूँगा जाके। अगर मुझे 100 पिक्सल का दिखाना है ना तो ये 360 से मैं छोटा करके इसको 100 का बनाऊँगा फोटोपिया से पहले, उसके बाद लगाऊँगा। क्योंकि देखो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो होता है टाइम टेकिंग प्रोसेस है ना, इसी वजह से कि भाई जितनी बड़ी जो इमेज चाहिए ना उतनी बड़ी लगाऊँगा मैं। और सम टाइम क्या होता है, अगर मुझे बड़ी स्क्रीन पर थोड़ी बड़ी दिखानी है और छोटी स्क्रीन पर थोड़ी छोटी दिखानी है, तो मैं इस इमेज के दो वर्जन बनाऊँगा और दोनों मौजूद होगा मेरे फोल्डर में, और कंडीशनली मीडिया क्वेरी के जरिए कंडीशनली मैं दोनों को दिखा रहा हूँ कि जी अच्छा, बड़ी स्क्रीन पर ये दिखा दो इसको हाइड कर दो, और छोटी स्क्रीन पर ये दिखा दो इसको हाइड कर दो। तो मैं ये काम करता हूँ, ठीक है। इमेज के मैं 2 या 3 वर्जन भी बनाता हूँ। हाँ,
अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैंने इसको क्या करना है, बॉडी के बिल्कुल आखिर में मैंने इसको यहाँ पे लगा के ना, यहाँ पे सॉरी यार इमेज का ये ना लगा दिया .whatsapp.png, ठीक है, चैट आइकन मैंने बता दिया इसको, ये मैंने लगा दिया, ठीक है। विड्थ मैंने कह दिया इसकी यार 100 पिक्सल, ठीक है। इसको किसी कंटेनर में नहीं रखा फिलहाल मैंने, क्यों इसलिए नहीं रखा क्योंकि देखो बॉडी जो है ना वो भी तो इटसेल्फ एक कंटेनर है और वो भी ब्लॉक लेवल होती है, बॉडी जो है वो भी ब्लॉक लेवल कंटेनर होता है, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया अगर, लेकिन अब इसको ये अभी तो ये स्क्रॉल होता है, देखो पेज ऊपर नीचे हो रहा है ना स्क्रॉल में, तो ये भी साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये इस कॉर्नर पर ना यहाँ पर फिक्स हो जाए आगे। तो मैं क्या बोलूँगा, इसको मैं क्लास दे देता हूँ, फिक्स के नाम से एक क्लास दे दी मैंने, और इस क्लास के ऊपर मैं क्या बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई पोजीशन इसकी हो जाए फिक्स्ड हो जाए, और किधर फिक्स्ड हो जाए, ठीक है, अभी तो हिला नहीं है ये अपनी जगह से, बॉटम 0 और राइट 0 फिक्स हो गया, सही है। अच्छा मेरे पास ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आया हुआ है ना, ये पता क्यों आ गया है मेरे पास, ये मैंने जो इस पर बॉर्डर शॉर्डर लगाया ना, ये इसमें से किसी की वजह से आ गया, ये देखो हाँ ये जो मैंने आगे किया हुआ ना इसको, इसकी वजह से आ गया ये, ठीक है। हाँ ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आना नहीं चाहिए वैसे बाय द वे, इसको इसकी मैं विड्थ ज़रा कम कर देता हूँ, कहाँ गया वो मेरा जो इस पर मैंने लगाया था, ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इज़ नॉट अ गुड थिंग, ये सेकंड करके जो पैराग्राफ है ना उस पर आया हुआ है, तो मैं सेकंड वाले जो पैराग्राफ के ऊपर ना ज़रा विड्थ उसकी कम कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई आपकी जो विड्थ है ना वो 500 पिक्सल है, ठीक है। ये मैंने हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ख़त्म किया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जो है वो बहुत बड़ा गुना है, अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं और आपकी वेबसाइट पर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है ना, दैट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, बग नहीं है मतलब ये अच्छा नहीं समझा जाता, मतलब कोई चाय आपने कहीं पी और चाय में आपको वो नमक डाल के दे दे तो आप क्या बोलेंगे, बग नहीं है ये बंदे का कसूर है जिसका ने बनाया है वो, ठीक है। तो वो ऐसी चाय कोई भी नहीं पिएगा नमक वाली, सही है, नमक वाली चाय भी वैसे होती है, नमकीन चाय भी वैसे होती है, लेकिन मैं वो नहीं सेंस में नहीं कह रहा, लेकिन मैं कराची के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, हाँ पता नहीं यार, हाँ कश्मीर में भाई वो नमक वाली पीते हैं चाय यार, बस वो बनाते हैं संभव, हाँ तो मुजफ्फराबाद में ना मैं एक दफ़ा गया चाय की दुकान में, मैं ऐसे घूमने फिरने गए थे, तो उसने बोला कि यार, मैंने कहा यार कौन सी है तुम्हारे पास चाय, तो उसने बोला यार नमकीन चाय हमारी सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा पीते हैं लोग, तो हमने कहा पिलाओ, उसने कहा यार तुम कराची से आए हो छोड़ो सादा चाय पियो तुम पठान दो, उसने बोला नमक वाला चाय ये लोग ऐसे ही हैं इनसे तुमसे पिया नहीं जाएगा वो, लेकिन मैंने देखा वो बड़ी अच्छी होती है, लोग पसंद करते हैं वहाँ के लोग ना बड़ी, वो पीते ही हुई हैं, तो उसने कहा यार तुमसे नहीं पिया जाएगा, मैंने कहा चल यार तेरे मशवरे पे, उसने फिर सादा चाय हमें पिला दी, तो वेल नहीं, उसने कहा यार तुमसे पिया ही नहीं जाएगा ये, तुम्हारे मतलब का आइटम नहीं है ये, यहाँ वालों का, कह रहा तुम जब सर्दी में आएगा ना बर्फ़बारी में फिर तुमको पिलाएगा, मैंने कहा चलो बर्फ़बारी में फिर आएगा तुम्हारे पास। अच्छा तो मैंने इसको फिक्स करके ना बॉटम और राइट बॉटम राइट 0-0 कर दिया, लेकिन मुझे इतना भी बॉटम पे ये नहीं चाहिए था एक्चुअली, इतना भी बॉटम पे मुझे नहीं चाहिए था, तो मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर करना था, ज़रा मैं यहाँ पे लगा के देखता हूँ कि कितना ऊपर मैं इसको मज़ीद ला सकता हूँ, तो ये मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ मुझे जो है ना इसको 30 पिक्सल ऊपर ला दिया मैंने, और 30 पिक्सल जो है ना इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है, 30 पिक्सल मैंने इसको कर दिया। हाँ AI की चैट के अलावा भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके क्लिक के ऊपर हम, इसके क्लिक के ऊपर हम कहाँ भिजवा सकते हैं उसको, WhatsApp के ना उस पर URL पे, WhatsApp का URL सब लोगों को आता है ना लगाना, अब इसको मैं अगर एंकर टैग में रैप कर दूँ, ये मैंने एंकर टैग में इसको रैप कर दिया, ये मैंने एंकर टैग में इसको रैप कर दिया है ना, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ इसमें https://whatsapp.me/, और मैं अपना नंबर लगा देता हूँ यहाँ, यही था ना URL
सही लगाया मैंने, डब्ल्यू ए डॉट मी था ये एक्चुअली, व्हाट्सएप डॉट मी नहीं था। अब मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे व्हाट्सएप पे इसको लेके जाना चाहिए। क्लिक किया मैंने, ले गया मुझे, ठीक है। मैं कंटिन्यू टू चैट करूँगा तो हो जाएगा, अगर मैं फ़ोन पे होऊँगा तो ये व्हाट्सएप की ऐप खोलेगा बकायदा, और ऐप खोल के स्क्रीन पे इसमें मैं कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ पहले से भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप किसी भी मिसाल के तौर पे पिज़्ज़ा की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, अगर ऑनलाइन ऑर्डर का हिसाब किताब नहीं है उनके पास, तो उसमें आप ये वाला बटन बना देते हैं किसी का। तो बस आप इस पर क्लिक करोगे तो इस पर कॉल भी इनिशिएट करा सकते हो, और व्हाट्सएप का मैसेज भी इनिशिएट करा सकते हो, एसएमएस भी इनिशिएट करा सकते हो, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। हर का यूआरएल अलग अलग होता है। आप कॉल का यूआरएल आप देखोगे, है ना, कॉल एंड एसएमएस यूआरएल एचटीएमएल, ठीक है, ये आ गया कंपोज एसएमएस। अब ये एसएमएस का जो है ना, ये यूआरएल है, सही है, और यहाँ पर कॉल का भी यूआरएल आ रहा होगा कहीं, ये भी एसएमएस का है। कॉल का किधर है भाई? हाँ अच्छा, कॉल का भी शायद ये एसएमएस करके ही होता है। वेल तो जब भी आपको लगाना हो तो आप यहाँ से देख के लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील, सही है। क्लिक करने से वो क्या होगा, कॉल इनिशिएट करेगा। कॉल सिर्फ लिखूंगा ना मैं तो शायद, ये ऐसे करके टेल करके, टेल करो और कॉलन लगा के आगे पूरा नंबर लिख दो, तो उसके क्लिक पे क्या होगा, वो कॉल इनिशिएट करेगा। क्या ला रहा है ये खोल के सामने भाई? हाँ हाँ हाँ, डायल पैड पे ले जाएगा भाई। आप जब उस पर यानी बटन पे क्लिक करेंगे, ये लगा के देखना, लगा के देखना ये, ठीक है। जैसे ये जब इस पर आते हो ना, तो कॉल का बटन जब प्रेस करते हो गूगल मैप पे, तो वो डायल पैड पे जाता है, तो वो सेम वही वाला बिहेवियर है, ठीक है। आप OLX के ऊपर SMS का बटन दबाते हो तो SMS की ऐप खोलता है, वो यही है असल में, ठीक है। तो इन तीनों को लगा के देखना, मे बी आप लाइन से यहाँ पे तीन बटन लगा दें, इस जगह पे लाइन से तीन बटन हो, कॉल SMS व्हाट्सएप ईमेल, तीनों ऑप्शन उसके पास मौजूद हो कॉन्टैक्ट के लिए, ठीक है। या मे बी सिर्फ कॉन्टैक्ट के ऊपर चार हो, बाकी अगर तमाम स्क्रीनों पर एक दिख रहा हो व्हाट्सएप, तो इस तरह की कोई भी चीज़ आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने ये तीनों तरह की जो पोजीशन होती हैं, जो बेसिक तीन पोजीशन हैं इसकी, वो हमने पढ़ा है। उसके अलावा नॉर्मल फ्लो को भी हमने ज़रा डिटेल में डिस्कस किया है। एक चौथी पोजीशन है जिसको हम कहते हैं फ्लोट, ठीक है। तो उसको फ़िलहाल हम ज़रा सा भी डिस्कस फ़िलहाल नहीं करते हैं, ठीक है। जेड इंडेक्स करके एक चीज़ है, इससे अपनी क्लास को शुरू करेंगे नेक्स्ट, तो मुझे ये याद दिलाइएगा कि ये जेड इंडेक्स हमने शुरू करना है, ठीक है। चलिए अल्लाह। फ्लोट यार अब हम यूज़ नहीं करते, फ्लोट को डिस्कस करना वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, सही है। ये फ्लोट ये वाला है फ्लोटिंग एलिमेंट, ठीक है, लेकिन इसको अब इतना हम यूज़ नहीं करते। वेल चलो देख लेंगे इसको भी, हम एक एग्जांपल इसकी करके देख लेंगे, ठीक है। चलो भैया, अल्लाह हाफिज़।